पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या आप निराश करेंगे ऐसे भक्तों को? ये सब हमारी अपनी ही संतानें हैं। क्या आप इन्हें पीड़ा में तड़पते हुए देख पाएंगे? भयानक वेदना में इन्हें प्राण देते हुए देख पाएंगे आप? आप सही कह रहे हैं स्वामी, हम अपनी संतानों के साथ ऐसी त्रासदी नहीं होने दे सकते। क्षण भर के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं तो सदा सुहागन हूं। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, कान में कुंडल और गले में मंगलसूत्र है प्रभु। हाथ में सुहाग का चूड़ा, पांव में अलता बिछिया और जो सुहागन इन सारे अलंकारों से सुसज्जित होती है उसका सुहाग हमेशा अमर होता है। मैं प्रेम को बंधन नहीं बनने दूंगी स्वामी, मैं शक्ति हूं, आपकी शक्ति और शक्ति ही रहूंगी। जाइए, सृष्टि की रक्षा कीजिए स्वामी, हमारी संतानों का कल्याण कीजिए स्वामी। प्रभु, भगवान महादेव को कितना कष्ट हो रहा होगा ना? ये हलाहल बुरे विचारों का प्रतीक है गर्व, जो जितने एक साथ इकट्ठे होते उतने ही विषैले होते जाते। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में कभी भी बुरे और अशुद्ध विचार निवास ना कर, हमारा मन सदैव शुद्ध और अच्छा रहे। स्वामी के भीतर से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। यदि विष उनके कण के नीचे गया तो भी विश्व का विनाश होगा। मुझे कुछ करना होगा। प्रभु, आपके उदर में समस्त सृष्टि का वास है। यदि ये हलाहल का विष आपके कर्ण से उतर कर उधर तक चला गया तो आपके इस महाप्रयास के बाद भी इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। इसीलिए आपको ये हलाहल का विष अपने कंठ में ही रोक कर रखना होगा। आपने संसार की रक्षा के लिए इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए आज ये संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। नीलकंठ महादेव, भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव, भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव, भगवान शिव शंकर की जय।
मेरा ये रूप आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। विषैले विचार किसी के भी मस्तिष्क में आ सकते हैं, परंतु ये हम पे निर्भर करता है कि हम उनके विष को, उन विचारों की अशुद्धता को अपने भीतर कितनी गहराई तक समाने देते हैं, उसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्रवेश करने देते हैं या नहीं। अर्थात मेरे इस रूप की जो भी पूजा करेगा वह सदैव अपने नकारात्मक, तामसिक, अशुद्ध और विषैले विचारों को नियंत्रण में करके प्रसन्न, संतोषप्रद और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सफल होगा। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। नीलकंठ महादेव भगवान शिव शंकर की जय। माँ, तक्षक, न जाने ये मेरा भ्रम है या सत्य, पर मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि महादेव की कृपा से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है। माँ, आपने अभी अभी वासुकी भैया के साथ महादेव के दर्शन किए, आपका ऐसा अनुभव करना स्वाभाविक है। हो सकता है, किंतु मैं ये भी जानती हूँ तक्षक कि इस मंथन में हर समय प्रभु विष्णु सभी के साथ है, किंतु फिर भी मेरा मन न जाने क्यों वासुकी को लेकर चिंतित है। बस वो सुरक्षित हो। प्रभु, कालकूट ने सभी के मन में भय उत्पन्न कर दिया है। अब मंथन का उत्साह इस आशंका में बदल गया है कि इस समुद्र के तल से न जाने अब क्या निकलेगा। कभी कभी आशंका की स्थिति भी अच्छी होती है गरु। व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका मन क्या चाहता है और मस्तिष्क ये जानता है कि उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उस व्यक्ति के प्रयासों में और अधिक दृढ़ता आ जाती है। नारायण नारायण। देवगण, दानवगण, भयभीत होकर पीछे हटने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मंथन आरंभ कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा वो कितने शीघ्र सत्य सिद्ध हो गया, वो देखिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।